नेक्स्ट वाला y इज इक्वल टू sin cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो y इज इक्वल टू sin, अब x के जगह जो है आपका जो एंगल है वो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos x है, पहले साले से था y इज इक्वल टू sin x, यहाँ साइन का एंगल x है लेकिन यहाँ साइन का जो एंगल है वो cos x है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनों का जो एंगल है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही है। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos का एंगल x है, पहले इस साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इस cos का निकालेंगे, फिर x का निकालेंगे, पहले साइन फिर cos फिर x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। ये आपका पूरा अब एंगल है, ये आपका पूरा x है, इस साइन का ये पूरा x है, तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कि आपकी एक्सरसाइज एनसीईआर के का क्वेश्चन है, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, अब sin x तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, sin x ये पूरा x है, पूरा एंगल है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनों का एंगल चेंज नहीं होगा, तो sin का ये एंगल cos का एंगल हो जाएगा, तो sin x cos x, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव करना है तो cos x का क्या होगा डेरिवेटिव, इनटू देकर के लिखेंगे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, अब x का डेरिवेटिव लिखेंगे sin का हो गया cos cos x का क्या हो गया माइनस sin x, अब x का डेरिवेटिव लिखेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 dy upon dx क्या बन गया cos, सॉरी इनटू करेंगे तो माइनस sin x cos cos x, इसी पर एक सवाल ऐसे देखेंगे अगर y is equal साइन कॉस 4x, पहले साइन का एंगल समझेंगे तो साइन का एंगल क्या है कॉस 4x है, फिर कॉस का एंगल समझेंगे तो वो है 4x, पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे फिर कॉस x का करेंगे और फिर 4x का, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, पटेल प्रोसेस लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy upon dx, अब sin का ये एंगल एंगल तो चेंज होगा नहीं, तो sin theta यानी sin x cos x, sin x या sin x cos x, x चेंज होगा, जो भी एंगल है वही एंगल डालना है, ये हमारा एंगल है पूरा एंगल, तो sin x cos x, अब cos 4x का करेंगे तो cos 4x के क्या होगा माइनस sin 4x, ये 4x एंगल चेंज होगा cos का 4x माइनस sin का 4x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ये एंगल चेंज नहीं करना है, कभी भी डेरिवेटिव में एंगल चेंज नहीं होगा, sin का जो एंगल है वही एंगल आ गया, और इसका एंगल इस cos का डेरिवेटिव करेंगे तो cos का 4x है तो 4x का और एक सी रहेगा, अब साइन का हो गया कॉस का भी हो गया अब फोर एक्स का करेंगे तो फोर एक्स का क्या हो जाएगा फोर, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इनटू करेंगे माइनस फोर साइन फोर एक्स कॉस कॉस फोर एक्स, ये आपका डेरिवेटिव का ये पूरा आंसर हो गया। अब
इसको पहले नोट करिए।